कोरोना को कंट्रोल होना जरूरी है। आप लोग सब मीडिया के हैं, बिल्कुल आप लोग सब जानते हैं। सर जब मीडिया के इतना होने का भी पुलिस इतना जुल्म क्यों करी थी मीडिया के ऊपर? पुलिस आप कंपेयर दूसरे स्टेटों से कर लीजिए। हबीबनगर लिमिट की शिकायत है सर, 3 PS का प्रॉब्लम है सर। जी हाँ बिल्कुल, फोन करे जी हाँ बना बाजो में इंक्वायरी करता हूँ मुझे, बिल्कुल आप आइए बात करेंगे। हबीबनगर PS ये बता रहे हैं कि पट्टा बोल रहे GHMC जो रजिस्ट्रेशन है सर वो जो है मैं नहीं मानता हूँ, और जो फर्म रजिस्ट्रेशन है वो भी नहीं मानता हूँ। जो भी आपने ने जो वेब मीडिया के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप जाके ओपनली CP को बोल लो, होम मिनिस्टर को बोल लो, अगर ज्यादा आप बोलेंगे तो हम आपके ऊपर जो केस बुक कर देंगे, FIR कर देंगे, बता रहे हैं हबीबनगर जी, हबीबनगर हिमायू नगर। और जो बच्चे भी जा रहे हैं सर उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आज भी हुआ सर, कल दो जनों को हुआ, कल जिसका नहीं एक्रीडेशन है सर, ये एक्रीडेशन के ताल्लुक से जो है ना हम लोगों के पास स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन है सब, हाँ फिर हमारे पास MSME है, हमारे पास लेबर लाइसेंस है, नहीं फेक वालों को पकड़ो साहब, पुलिस का काम है, फेक काम कर रहे तो पकड़ना, पुलिस का काम है कर लेना ना, मगर साहब जो दलील कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कुत्ते का गले में पट्टा है, एक जना तो क्या बोला, निकल तेरी माया की बहन की बोलते हैं सर। अगर ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन गन ऑफ इंडिया का है, ये अगर रजिस्ट्रेशन है हमारे पास दोनों ये एक्सेप्ट नहीं करते बोल रहे हो डायरेक्ट जो है आप लोगों तक बता देते हैं, नहीं सर्टिफिकेट हम बता रहे हैं उनको तो नहीं मानते बोल रहे हो चैलेंज हो रहा हूँ बच्चे एफआईआर करते बोल रहे हो हमारे ऊपर, बच्चे का जो है सेलफोन खींच लिए, आईडी कार्ड जब्त कर लिया, बच्चे के पास लोगो है, ओनली जिसके पास एक्रीडेशन है सर, जिसको एक्रीडेशन है उनको ही मैं रिपोर्टर मानता हूँ, बता रहे हैं। तो एक्रीडेशन जो है एक चैनल को जो है 3 से 4 आते हैं, सीनियरिटी हुई तो उसके बाद में बढ़ते जाते, उसके बाद में जिसका नहीं उसको मानते हुए। और जर्नलिज्म कोर्स पूछ रहे हैं तो जिसका नहीं एक्रीडेशन अवेलेबल है सर वो भी जर्नलिज्म नहीं करे हुए। और साहब प्रकाश जावड़ेकर ये बोले कि जो OTT जितने भी है और जितने भी डिजिटल साहब इसको जो है ना खुला परमिशन है, मगर उनका कुछ गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, हमारे पास तो लेबर लाइसेंस है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, MSME भी सारी चीजें एक्रीडेशन के लिए सर 3 years अबव होना पड़ता है चैनल। मीडिया वालों को हम भी बहुत जी जी क्योंकि आपको कोई मैसेज नहीं भी जाता जी, जो है सर कल क्या होगा व्हाट्सएप मीडिया जी, बहुत ज्यादा तरीके से लोग एक ही फोन रख लिए जी मैम, अपने आप को बोल के मीडिया वालों को नहीं बराबर है सर, जो इलीगल है बराबर उनका एक्शन है। आप कल बताए जी हाँ बताए, क्या बोला हमें बिल्कुल, आओ आप बात मिले बात करें बिल्कुल आप जाके CP साहब को बोलो, बोले तो अब CP साहब बड़े हैं क्या, फिर CI बड़े हैं सर, उत्तेजना के सामने की बात आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलती है वेब मीडिया को नहीं चलाता, वो लोग खुद ही जो है वेब मीडिया पे चला रहे, फिर CM साहब सोशल मीडिया बोल रहे, CM साहब सोशल मीडिया बोल रहे हैं, फिर अगर जो है दोनों भी जो है मातहत तेलंगाना गवर्नमेंट के चुस्मे है, फिर इन्हों पुलिस बोल रही है जो है हम जो है GHMC को नहीं मानते बता रहे हैं। ये रख देना चाह रहा हूँ साहब, जैसा हम बोल रहे हैं साहब हमारे पास सर्टिफिकेशन है सब कुछ है साहब, बोलने पे क्या बोल रहे हैं लोग ज्यादा ये करते हैं सीधा, क्या बोल रहे हैं साहब तू गाली दिया तू सस्पेंड करा तो मतलब बोले कैसा ज्यादा एग्रीडेशन गाड़ी पूछे ऑलरेडी कर रहे साहब पुलिस हैरेसमेंट करना सस्पेंड करते रहते आप, नहीं नहीं उनकी ड्यूटी राइट है सर, उनकी ड्यूटी है सर जी वेरीफाई कर लेना जी, आप जैसे आप मीडिया वाले ड्यूटी करते हैं मुझे भी मालूम है, मैं भी चैनल करता हूं, ओके ओके आप लोग अपने को रिस्क लेके भाग भाग के रिपोर्टिंग करते हैं जी, हां भाग तो क्या होगा व्हाट्सएप के तहत गलत रिपोर्ट आने वो कंटिन्यू है सर, तो वो करेक्ट है, इसके लिए अब मैं CP साहब से बात करूँ, जो बच्चे के पास आईडी कार्ड है रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं ले जाके, एक्रीडेशन तो सर आफ्टर 3 years आता है, अब आपका डिग्री है सर आपका CT तो आपके पास कितने एक्रीडेशन है, कितनों को आते बताए, अगर आपके ने 50 मेंबर है 10 जनों को एक्रीडेशन आते, बाकी के फूको पूरे पूरे रिपोर्टर ही बाहर जाना चाहिए आपके आपके हिसाब से, आप सीनियर रिपोर्टर जी जो रिपोर्टिंग करने वाले उनको तो एक्रीडेशन कार्ड देते, आप बोले सर 2-3 साल के बाद देते वो बात सही है, किसी के पास भी विदाउट एक्रीडेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बता रहे मैं अभी मैं CP से भी ओके बिल्कुल बिल्कुल आप जो है मीडिया को रिजल्ट दिलाना है 100% बिल्कुल टीवी चैनल घर के साथ मालूम है जी, बाहर 15-20 मीडिया वाले अरे हम तो अपने भाया है बिल्कुल मीडिया वाले तो बिल्कुल बराबर मिल जाएंगे सर, आपकी इतला के लिए बोलो बराबर वेरीफाई कर अल जजीरा से लेके BBC से लेके आज तक से लेके ये सैटेलाइट चैनल्स होते पर भी पूरे सोशल मीडिया पर है,
फिर उन्होंने सैटेलाइट होते पर सोशल मीडिया पे क्यों है और सोशल मीडिया को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? टाइप करके वो लोग से वीडियो मंगा रहे हैं मीडिया से। सर फिर और एक खुली खुली बात ये है सर, हबीब नगर की बात है, मैं आपके सामने खासतौर से नॉलेज में ला रहा हूँ। 10 कदम पे है अल्हम्दुलिल्लाह होटल, 24 घंटे खुली है अल्हम्दुलिल्लाह होटल हबीब नगर पे। अल्हम्दुलिल्लाह जो होटल है हम करते वो चीज़। अब हम वो नरेंद्र रेड्डी साहब वो चीजों को हम जो बता रहे सर, अब आपके और जितना के वास्ते पुराने पुल पे 24 आवर्स सर शराब बिक्री 24 आवर्स। मेरे पास क्लिप्स है, मैं उसको डालूंगा, आजकल मैं डालूंगा 24 आवर ओपनली। देखिए सर बच्चा इतना निकाल के बता रहा, बहादुरपुरे की गाड़ी ठहर के वहां पर जो है शराब बेचने लगा रही। 10 कदम पे है, 10 कदम पे है, 10 कदम पे सर। हम भी डिजर्व करते हैं, आप एक बयान दे दो साहब, वीडियो शूटिंग कर सकते हैं बोल के। टीवी चैनल वाले टीवी का नहीं है, उतने की छोड़ दो तो पसंद है। अब इसके तले से आप एक साहब एक बयान दे दीजिए आप। मैं एक छोटी रिक्वेस्ट, आप जो है वेब चैनल के ताल्लुक से जो है बोल दी, थोड़ा रुको मोहम्मद भाई कंट्रोल करें, भाई एक बड़ा इशू है, थोड़ा एक बात बोलना साहब। परसों हम लोग जो है किंग कोटी हॉस्पिटल में लोग आंखों के सामने मर रहे थे साहब, तो इसमें अपने डकन का सब पेपरों में आया था साहब, तो हम लोग जाके भाई हमारे ऐसा कोई भी दर्रा थे, तो हम लोग गए साहब जाके जो है ना सुपरिटेंडेंट साहब से बात करें कि साहब आपको कुछ कमी है, तो हम बोलिए गवर्नमेंट को मैसेज देते साहब बोले, तो उन्होंने क्या करें ACP साहब को बुला के हमारे ऊपर कंप्लेंट देने लगे साहब, देखिए हम आपको हैरासमेंट ये कर रहे हैं साहब कि मेरे ऊपर भी कंप्लेंट करा दिए सब, जबकि हम लोग जो है पूरे वीडियो से साहब क्यों इतना हैरासमेंट करें बोले समझ नहीं आया मेरे डिपार्टमेंट सब मेहनत कर रहे ना साहब, मीडिया की वजह से जो ना कहीं करप्शन नहीं हो रहा, ब्राइब नहीं ले रहे कोई भी, टीवी चैनल वालों को प्रॉब्लम है सर। आप एक बयान दे दीजिए साहब।